दोस्तों मैं एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट करने वाला हूँ। इस बैग में जो M4 बेस्ड मैक मिनी है ना, शायद मेरे हिसाब से इट इज माय फेवरेट एप्पल प्रोडक्ट, मोस्ट यूजफुल एप्पल प्रोडक्ट, लेकिन उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एप्पल प्रोडक्ट। और ये जो है शायद हमारे ऑफिस में अगले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला है। यस, M4 मैक मिनी इज सरप्राइजिंग। लेकिन और एक बैग है दोस्तों जिसमें मैकबुक प्रो है, क्विकली इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज मैकबुक प्रो, दैट्स इट, यू कैन डू एवरीथिंग ऑन इट। और अब वो M4 चिपसेट के ऊपर आ गए हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस एंड देन एंड विद मैक मिनी। ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, पूरा देखिए, स्पेशली ये जो चीज है, दिस इज वेरी एक्साइटिंग। वैसे पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं आपके लिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, इसका बॉक्स निकाल के रखते हैं। इस टाइम फॉर्म फैक्टर भी थोड़ा चेंज हो गया है, सो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, और वो भी दिखाने वाला हूं मैं। ओके, लेट्स कीप दिस असाइड। चलिए, मैकबुक प्रो, ओके, 14 इंच ब्रेडेड केबल आती है, USB Type-C टू मैगसेफ कनेक्टर, सो एंड इट इज ब्रेडेड केबल, 70 वॉट की ब्रिक है ये, दैट्स बिग। एंड ऑब्वियसली इनका डॉक्यूमेंटेशन, मैकबुक प्रो, व्हाट एल्स डू वी हैव, दैट एक्सपेंसिव क्लॉथ, ये जो है ना, दिस पीस ऑफ क्लॉथ ऑल्सो कॉस्ट समथिंग लाइक 2,500 रुपीज। ऑलराइट, लेट्स कीप दिस असाइड, देखते हैं मैकबुक प्रो के पास। Pro. All right. इसमें 14 इंच है, ये जो हमारे पास है वो 14 इंच है, एंड देन यू ऑल्सो गेट अ 16 इंच विद 16 इंच डिस्प्ले। वेरी मिनिमलिस्टिक, मतलब आगे से पीछे से देखोगे, नीचे की तरफ तो कुछ नहीं है, वेंट्स वगैरह जो जनरली आप दूसरे लैपटॉप्स में देखते हो, एब्सोल्युटली नथिंग। आगे एप्पल का लोगो है, दैट्स अबाउट इट। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो SD कार्ड स्लॉट आता है, USB Type-C है, थंडरबोल्ट है, ऑब्वियसली फुल HDMI पोर्ट आता है। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव दैट मैगसेफ कनेक्टर, देन 2 USB Type-C है, थंडरबोल्ट है, एंड 3.5 mm जैक। ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट। चलिए वन फिंगर से ओपन करते हैं, लेट्स सी इफ वी कैन। यस, वेरी इजी, एंड It is already started. तब चीजों के बारे में बात करूं मैं, इनफैक्ट ज्यादा नहीं बात करने वाला हूं क्योंकि यू नो इट इज द सेम लाइक प्रीवियस जनरेशन, लेकिन 3-4 चीजों में अपग्रेड है। एक तो डिस्प्ले जो है दोस्तों ज्यादा ब्राइट आ गया है, एंड अब आपको ये नैनो टेक्सचर कोटिंग मिलती है, एंड लुक एट दिस, मतलब यू हैव टू बाय इट एक्स्ट्रा, इट कॉस्ट यू 15,000 रुपीज, प्रॉबेबली द बेस्ट एंटी ग्लेयर आउट देयर, बिल्कुल भी रिफ्लेक्शंस वगैरह नजर नहीं आएंगे, आप बाहर भी आउटडोर्स भी यूज कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। वैसे इसका जो डिस्प्ले है वो ब्राइट भी ज्यादा हो गया है, नॉट मच बट हाँ हो गया। अगर बेजल्स के बारे में बात करूं, इस नॉच के बारे में बात करूं, एग्जैक्टली वॉट इट वॉज इन द प्रीवियस जनरेशन, बाकी कीबोर्ड वगैरह एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। अब दोस्तों इसमें अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, मेन चीज यही है कि जो चिपसेट है वो अपग्रेड हो गया है, एप्पल सिलिकॉन M4 अब आता है, M4 प्रो, M4 मैक्स भी आता है। सो बेस वेरियंट जो है इट स्टार्ट फ्रॉम 1,79,900, 1,80,000 से चालू होता है। हमारे पास जो है दैट इज 48 GB रैम M4 प्रो, जी हाँ, एंड इसकी कॉस्ट जो है दैट इज समथिंग लाइक 3,35,000, एंड सबसे ऊपर वाला वेरिएंट लोगे M4 मैक्स वाला, वो 4 लाख तक आपको जाने वाला है। सो दीज आर एक्सपेंसिव मशीन्स, लेकिन काम भी ऐसे ही एक्सपेंसिव करता है, मतलब आप जो चाहिए वो कर सकते हो। ऑन द गो आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग वगैरह करना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, यू कैन डू एवरीथिंग ऑन दिस। बट हाँ, अगर मैं प्रीवियस जनरेशन M3 के साथ कंपेयर करूं, इट इज एन इंक्रीमेंटल अपडेट, ये मतलब ऐसे कुछ ज्यादा डिजाइन चेंज या ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, और एक अपडेट बताना भूल गया बिफोर आई क्लोज दिस, पहले फुल HD कैमरा आया करता था, अब 12 MP का कैमरा दे दिया है विद सेंटर स्टेज, मतलब आप किधर भी हो वो बराबर आपको बीच में रखेगा। सो दैट्स वॉट M4 बेस्ड मैकबुक प्रोज आर। सो दिस इज अ मीन मशीन यार, पावरफुल मशीन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसे साइड में रखते हैं, सेंटर स्टेज अब लेते हैं मैक मिनी के पास। एंड यू नो व्हाई आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस, अभी तक हमारे ऑफिस में वीडियो एडिटिंग हम जो लुक एट दिस थिंग, पहले अगर पुराना वाला जो कम से कम 5-6-10-12 साल तक था, ये फॉर्म फैक्टर था, एंड नाउ लुक एट दिस, 7.5 by 7.5 पहले था, 5 by 5 का ब्लॉक हो गया। हाँ, डेप्थ थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, लुक एट दैट। इसके बारे में बात करेंगे क्विकली, बॉक्स के अंदर और क्या है वो देख लेते हैं। अगेन यू हैव अ पावर केबल, इंटरेस्टिंग 2-पिन अडाप्टर है। और एक बात मैं पावर कंजम्पशन के बारे में बोलने वाला हूँ, योर माइंड विल बी ब्लोन। एंड देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, और कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग इनसाइड द बॉक्स अपार्ट फ्रॉम दिस पावर केबल। लेट अस लुक एट दिस, ओह माय गॉड,
कि इसका वजन कितना होगा? I think about 650 grams, 750 grams. Let's see. 661 grams. 650 ग्राम की मशीन है और क्या क्या कर सकती है, ओ माय गॉड, के बारे में बात करेंगे. बट पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं. अगर मैं पुराने मिनी के बारे में बात करूं तो सभी पोर्ट्स वगैरह जो थे पीछे की तरफ थे, आगे कुछ नहीं था, तो ये क्रैम्प्ड लगता था. बट नॉट विद दिस वन, क्योंकि अब उन्होंने दो यूएसबी टाइप सी पोर्ट जो है वो आगे दे दिए. देन यू हैव एलईडी इंडिकेटर 3.5mm जैक, एंड देन पीछे की तरफ बिकॉज इट इज बिकम स्मॉलर 3 यूएसबी टाइप सी है. लेकिन ये जो है ये थंडरबोल्ट 4.0 है, फुल एचडीएमआई पोर्ट है, RJ45 है, एंड देन यू हैव द पावर कनेक्टर, पावर पोर्ट. Yes, that's about it. वजन के मामले में अगर पुराना वाला ले लूं, it is close to a kg or so, definitely. 1276 ग्राम हुआ करता था, उधर से it is now come to 650 grams, मतलब literally 50% weight reduction. Oh my God. वैसे क्विक कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये जो है पुराना मैक मिनी दिखा देता हूं, एंड देन मैं आपको मैक स्टूडियो भी दिखा देता हूं. ओह माय गॉड, दिस इज हैवी. ये देखिए, लुक एट दिस. और इसका वजन 3.5 kgs, 3443, मतलब 3.5 किलो का है दोस्तों ये. एंड यू नो व्हाट, दिस माइट बी मोर पावरफुल देन दिस. कैन यू इमेजिन दैट? दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्ट में मैं साजिश से कह रहा था कि हमारे सब मशीन्स इससे चेंज करने वाले हैं. बिकॉज सोचिए, जो भी हमने मशीन्स लिए हुए हैं, हमारे इधर वीडियो एडिटिंग, बहुत ही ज्यादा वीडियो एडिटिंग, कलर करेक्शन, विच रिक्वायर्स पावरफुल मशीन्स, और उसके लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है. मतलब उधर 650 वॉट, 750 वॉट का SMPS, उतना इलेक्ट्रिसिटी वो लेती है. दिस वन इज 150 वॉट. जो 2-पिन कनेक्टर हमने दिखाया, दैट्स अबाउट इट. बड़ा सा एडाप्टर वगैरह कुछ नहीं लगता है इसे. Imagine that. लेकिन let's talk about pricing. मैंने कहा ये value for money है. क्यों पता है? इसका जो base variant है, and even if you are not a student, normal अगर खरीदोगे तो 60,000 है. And base variant में आपको 16GB RAM मिलती है अब. क्यों? क्योंकि Apple intelligence आ गया और उसके लिए RAM ज़्यादा है. 60,000 में 16GB RAM, 256GB storage आपको मिल रहा है. और storage के लिए obviously आप SSD से expand कर पाओगे. So this one packs in real good specs for great price. Again, base variant के बारे में बात कर रहा था, 60,000 से start होता है. ये जो है, ये 512GB वाला variant है, this is 79,900. M4 Pro का top variant जो है, that cost 150,000-160,000, around that. Seriously powerful machine चाहिए? No problems. Pick up the top variant. And trust me, हमने इसे test किया, हमने इसके ऊपर games खेले, video editing किया, color correction किया, DaVinci run किया, Premiere Pro run किया, everywhere it worked flawlessly. मतलब under 1 lakh rupee, you have a beautiful, powerful machine. I was thoroughly impressed. मैं जब बात कर रहा था साजिद के साथ कि यार, how come इतना अच्छा है? It is all about that Apple silicone inside. Yes. अगर मैं M2 के साथ कंपेयर करूं, इसकी पावर नियरली डबल हो गई है. यस, वेदर इट इज CPU और GPU, इन बोथ ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस. और ये मैं M4 के बारे में बात कर रहा हूं. M4 Pro लोगे तो M4 से भी डबल पावर आपको मिलेगी. आई मीन, दैट्स रिडिकुलस. वैसे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमने गेमिंग में बहुत सारे टाइटल्स नहीं देखे. टाइटल्स और चाहिए दोस्तों. रे ट्रेसिंग को वगैरह सपोर्ट करता है, FPS वगैरह भी अच्छे मिलते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स. बट वी नीड मोर गेम्स. ट्रिपल ए रेटेड गेम्स चाहिए और इसके ऊपर. वैसे वी पुट इट थ्रू इट्स पेसेस, बहुत सारे बेंचमार्क्स वगैरह रन किए. जो भी है, मैं सब कुछ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पॉज करके देखिए. जो भी स्कोर्स आए, दे वर वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल. वैसे कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो जो लास्ट ईयर के ऑप्शन थे वही है दोस्तों. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 वगैरह आता है, नो प्रॉब्लम्स. एक चीज इधर मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, एंड ये हमारा मैक स्टूडियो के साथ हुआ है. ये जो है दोस्तों, ये 2 साल पहले हमारे पास आया था, एंड देन 1-1.5 साल यूज करने के बाद कुछ इशू आया, कुछ शायद मदरबोर्ड का होगा या किसी. वी वेंट टू द रिपेयर सेंटर, एंड द कॉस्ट दे सेड, सर्विसेबिलिटी या रिपेयरेबिलिटी में यू हैव टू थिंक. एक तो एप्पल के प्रोडक्ट्स है, यू नो, ज्यादा इसके इश्यूज नहीं आते हैं, लेकिन अगर आ गया, सो यू कीप इन माइंड रिपेयरेबिलिटी बहुत मुश्किल है इसकी. और अगर करना है तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू. अब तक का जो एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, सबसे यूजफुल और वैल्यू फॉर मनी अगर कोई प्रोडक्ट होगा, देन इट इज दिस. अगर आप सोच रहे हो दोस्तों मैक मिनी, या फिर आपको एक मैकबुक वगैरह लेना है, या एक पावरफुल मशीन चाहिए, डेफिनेटली इसके पास ध्यान दीजिएगा. तो चलिए दोस्तों, इस M4 बेस्ड MacBook Pro एंड Mac Mini के वीडियो में इतना ही. अगर आपको कोई सवाल है, जरूर पूछिएगा. #askarun का वीडियो आ रहा है, तो आपके जो सवाल होंगे वो जरूर लेंगे उसमें. वीडियो अच्छा लगा, ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो लाइक करना मत भूलिए. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.